अलंकार को पढ़ेंगे और समझेंगे अलंकार क्या होते हैं। चलिए आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर क्या है ये अलंकार, ठीक, ये है अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार क्या होते हैं, क्या दिया है यहां पर, काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले साधनों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार से काव्य में रोचकता, चमत्कार और सुंदरता उत्पन्न होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। कैसे कहते हैं अलंकार की परिभाषा क्या बताई, कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य में क्या लाते हैं, रोचकता, चमत्कार और सुंदरता उत्पन्न होती है अलंकारों से। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार को काव्य की क्या कहा है, आत्मा कहा है। अब यहां पर हम अलंकार, अलग अलग अलंकारों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है यहां पर यमक अलंकार, उसकी परिभाषा समझिए। यमक का सामान्य अर्थ है दो, यमक का अर्थ क्या बताया, दो, अर्थात अब यहां आगे और समझिए। अतः जब एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। तो यमक का अर्थ हमने आपको दो बताया और एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति, जैसे कैसे, उदाहरण समझिए, कनक कनक तय सौ गुनी मादक ता अधिकाय या पाए बोरात नर वा खाए बोराय। यहां दो शब्द से है, तो यहां ये जो शब्द है वो कितनी बार आया है, दो बार। तो ये हमने कौन सा अलंकार पढ़ा, यमक अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या साधनों को अलंकार कहते हैं, जिसमें पहला अलंकार हमने पढ़ा यमक अलंकार। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। अब इसमें समझिए कि क्या कैसा हुआ है। तो यहां कनक शब्द जो है, जो कनक शब्द है दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। दूसरा एक और उदाहरण है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी। जहां एक विदेह का अर्थ है राजा जनक और दूसरे विदेह का अर्थ है देह रहित अर्थात शरीर की सुध बुध खो देना। ये कौन सा अलंकार आएगा, यहां पर भी आपको यमक अलंकार आएगा। कौन सा अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा। चलिए समझते यहां पर। अब यहां आएगा श्लेष अलंकार, कौन सा अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। काव्य में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ क्या आया, चिपका हुआ, अर्थात एक से अधिक अर्थ जिनके मतलब एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। आप देखिए क्या, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में पानी के तीन अर्थ हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन और पानी गए न उबरे मोती मानस और चून। मोती का पानी अर्थात मोती की आभा या चमक, दूसरा मनुष्य का पानी यानी मनुष्य की आभा या चमक या प्रतिष्ठा, और तीसरा चूने का पानी यानी चूने में पानी यानी बिना पानी के चूना सूख कर, जब हम चूना फुलाते हैं तो बिना पानी के क्या वो फूल सकता, नहीं फूलता ना, और यदि उसमें पानी बहुत समय तक ना रहे तो चूना क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इस प्रकार से चूने में बिना पानी के जो चूना है सूख कर क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। चलिए
अब यहां पर हम पढ़ेंगे ब्याज स्तुति। कौन सा पढ़ेंगे? ब्याज स्तुति अलंकार। परिभाषा समझिए, जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है, जिस वर्णन में देखने में निंदा प्रतीत होती पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो, उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। जिस वर्णन में देखने में तो निंदा प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो तो क्या कहते हैं उसको? ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। व्याज अर्थात बहाने और स्तुति यानी होती है प्रशंसा करना। जैसे जमुना तुम अविवेकनी कौन लिए यह ढंग, पापिन सो निज बंधु कौ मान करावती भंग। अब यहां देखिए इस वर्णन में शब्दों के अर्थों से तो यमुना जी की क्या हो रही है, ऐसा लग रहा जैसे निंदा हो रही है कि जो पापियों से अपने भाई यमराज का मान भंग कराती है, पर वास्तव में पुण्य शशिला यमुना जी की महिमा का यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्णन है, जिसमें स्नान करने से पापियों के पापों का हरण हो जाता है और वे यमलोक या नरक में नहीं जाते। यमुना जी में ऐसा है, यदि आप उसमें नहाते हैं तो स्नान करने से पापियों के पापों का हरण होता है और वे यमलोक या नरक में नहीं जाते हैं। चलिए अब यहां पर हम पढ़ेंगे व्याज निंदा। क्या पढ़ेंगे? व्याज निंदा। परिभाषा समझिए, जिस वर्णन में देखने में स्तुति प्रतीत होती। देखिए इसके पहले हमने जो पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि जिसमें देखने में हमें निंदा प्रतीत होती हो वास्तव में स्तुति हो। अब हम पढ़ेंगे व्याज निंदा में, जिस वर्णन में देखने में स्तुति प्रतीत होती हो पर वास्तव में उसके विपरीत क्या हो? निंदा का तात्पर्य हो, उसे क्या कहते हैं? व्याज निंदा अलंकार कहते हैं। इसके पहले हमने व्याज स्तुति अलंकार पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं व्याज निंदा अलंकार। आप कैसे इसमें देखिए, जैसे नाक कान बिनु भगनी तेराही क्षमा कीन तुम धर्म बिचारी, लाजवंत तुम सहज सुभाऊ निज गुण निज मुख कह से न काऊ। हनुमान जी के इस कथन से स्तुति सी प्रतीत होती है पर यथार्थ में इसमें कायर और निर्लज्ज होने का तात्पर्य निकलता है, जिसमें क्या है? निंदा है। जिसमें क्या है? निंदा है। चलिए अब यहां दिया है अन्योक्ति अलंकार। क्या दिया है? अन्योक्ति। परिभाषा समझिए, जहां किसी अन्योक्ति यानी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या है? मैंने परिभाषा बताई आपको कि जहां किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाती है किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहां कौन सा अलंकार होता? अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। यहाँ कबीरदास जी ने नश्वर जीवन के बारे में कली और फूल के माध्यम से अपनी बात कही है। एक ना एक दिन सबको क्या है? जाना है, इस जगत में नहीं रहना है, ऐसा समय आएगा कि एक ना एक दिन सबको जाना है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुलिए काली हमारी बात। चलिए आप यहां देखिए, यहां है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। जहां कारण के बिना या कारण के विपरीत। क्या बताया? कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, जहां कारण के बिना कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का, समझना, कारण के बिना कारण नहीं है, कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बगता बड़ जोगी। चलना सुनना करना और खाना ये सब पैर हाथ कान सुख के काम है, यहां बिना कारण के कार्य है। यहां पर क्या है? बिना कारण के क्या है? कार्य है।
अब देखिए यहां पर पढ़ेंगे हम व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से भी क्या बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सिय सुबिरन सुख माकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहां सीता के शरीर को स्वर्ण के समान बताकर भी सीता के अंग में स्वर्ण की क्या की गई, अपेक्षा कोमलता की विशेषता बतलाई गई। सीता के शरीर को स्वर्ण के समान बताने, सोने के समान बताकर सीता के अंग में स्वर्ण की अपेक्षा उनकी किस चीज की वो की गई है, कोमलता की विशेषता बतलाई गई है। सिय मुख सरद कपल जिमि किमि, कही जाए निसिमलीन वह निसदन यह विगसाय। शरद कमल तो रात्रि में मुरझा जाता है, किंतु सीता का जो मुख है वह क्या है, दिन रात खिला रहता है। जो सीता जी का मुख है वो क्या है, दिन रात। तो यहां पर ये बताया कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, तो यहां पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। अब चलिए, अब यहां हम पढ़ेंगे विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, अब परिभाषा समझिए। जहां कारण के उपस्थित होने पर, देखिए पहले था कि कारण नहीं है फिर भी बताया, अब यहां पर कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। दूसरा, इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तउ ना प्यास बुझाए। तो अब यहां पर देखिए कारण के उपस्थित, ये कारण उपस्थित होने पर कार्य नहीं हो रहा, तो वहां पर कौन सा अलंकार आ जाएगा, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहां पर इसके बाद इस प्रकार यहां पर मैंने आपको अलंकारों को पढ़ाया, समझाया, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अलंकार क्या होते हैं। आप लोग कॉपी में इसको लिखेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।